सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं जगतार सिंह कपुरी नए से नए टॉपिक लेके हम हाजिर होते हैं आपके सेवा में। आज हम लेके आए हैं ये जो जंतर मंत्र तंत्र जो है अंधविश्वासों वाली जो बातें हैं इसका कानून है एक कि ये ऐसी अफवाहें या ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप रोज़ देखते होंगे कि अखबारों के अंदर कहीं बाबा वो लिखा हुआ है कि मैं इतना कलाम पढ़ देता हूँ, वो लिखा हुआ है कि मैं ये कर देता हूँ, वो लिखा हुआ है कि मैं वो कर देता हूँ, मैं ऐसे कर देता हूँ, मैं काट कर देता हूँ, जो किसी का जादू किया हुआ है, टोना किया हुआ है। इसकी बात शरे आम अखबारों में मेरा ख्याल है कि 25% जो इश्तहार वो अखबारों में इसी काम के हैं कि आपको कोई दुख तकलीफ है हमारे से कंटेक्ट कीजिए, और बाकायदा टेलीफोन नंबर होंगे उसके ऊपर। मुझे अफसोस ये है कि क्या जहाँ से अखबारें छपती हैं या जहाँ अखबारें पढ़ी जाती हैं वहाँ का जो प्रशासन है, सरकार है उस जगह की, या जहाँ ये अखबारें जाती हैं तो वहाँ क्या असर पड़ता है? जो प्रशासन है वो नहीं सोचता कि ये जो गलत हो रहा है इसको रोका जाए। लेकिन जब मैं दूसरी तरफ देखता हूँ कि रोका कैसे जाएगा, मंत्री संतरी और सारे जो बड़े बड़े अहलकार, बड़े बड़े जो है वो अफसर, वो बाबाओं के पास जाके मत्था टेकते हैं। वो भी एक तो संत महात्मा कोई बाबा है वो तो अलग चीज़ है, उसके पास जाती है संगत जाती है, और कुछ तांत्रों के पास भी लोग जाते हैं। अभी जब इलेक्शन का टाइम होता है कोई किसी तांत्रिक की सेवा में बैठा हुआ होगा, किसी के गोड्डे के पास बैठा होगा, किसी के पैर में बैठा हुआ है। जब इतने बड़े बड़े लोग ही अंधविश्वास में पड़े हुए हैं तो छोटे मोटे का तो काम ही क्या, और क्या वो अखबारों में इश्तहारों को रोकेंगे? बहुत मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है रोकना। रुकेगा तभी जब सरकार चाहेगी, रुकेगा तभी जब वहाँ के लोकल जो है ऑफिसर या लोकल प्रशासन जो है उनको रोकना चाहेगा। और ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं रुक सकता। अगर लोकल प्रशासन चाहे, सरकार चाहे, तो ये जो अंधविश्वास जो है इनकी बातें जो अखबारों में छपती हैं उनके ऊपर बैन कर दिया जाए। जो टेलीफोन बाबे या जो ऐसे जादू टोने वाले तांत्रिक जो देते हैं, शरेआम देते हैं, उनको पकड़ा जाए। अभी मैं देखता हूँ कहीं पे, वो किसी दूसरे मुल्क की बात है, वहाँ पे उन्होंने एक लहर चला रखी है। वो ऐसे ढोंगी जो बाबे हैं उनको वो बाहर लाते हैं, ढोंगी बाबों को, जो ढोंगी ऐसे उनके फकीर हैं उनको वो सामने लाते हैं, सजा दिलाते हैं। लेकिन मैंने तो यहाँ अखबारों में पढ़ता हूँ, अखबारों में देखता हूँ 25% जो इश्तहार वो है ही इन लोगों के, तांत्रिकों के, तो कैसे काम होगा? तो मेरा निवेदन है सरकार जो है वो इस तरफ भी ध्यान दे, अंधविश्वास को कम करने में मदद होगी। अंधविश्वास जो है हमारे भारत में बहुत ज़्यादा है तो कम होगी। मैंने तो नहीं देखा जितना हम बचपन में सुनते थे उससे बड़ा ही है अंधविश्वास, कम तो हुआ नहीं। तो आगे देखते हैं क्या बनता है। ओके, वीडियो देखने के आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।